हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय नाम इज मनीष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बी लेक्चर्स तो गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आप सभी जानते हैं बीजेड वाई सी टी वन थ्री वन आपका कोर्स कोड है एनिमल डाइवर्सिटी आपके बुक का नाम है एंड देन ये वॉल्यूम टू होने वाला है जिसमें कि हम यूनिट थर्टीन पढ़ रहे थे और यूनिट थर्टीन में हमारा टॉपिक था पाइसेस यानी हम सुपर क्लास स्पाइसिस के बारे में जान रहे थे जिसमें कि हमारा प्रीवियस टॉपिक हमारा क्या था क्लास कॉन्ड्रिक थी थीज था कॉन्ड्रिक थीज में हमने जस्ट उसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में जाना और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि टाइप्स ऑफ टेल जो होते हैं कॉडल फिन जो पाया जाता है फिस में उसके बारे में भी हमने जाना था देन आज की टॉपिक में गई आज हम इलास्मो ब्रांची यानी ये एक सब क्लास है जो कि कॉन्ड्रिक थीज का सब क्लास है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और कॉन्ड्रिक थीज में जो इलासमो ब्रांची है इसमें हम कई सारे एनिमल जस्ट लाइक सार्क स्केट्स एंड फिन रेज इन सब के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं देन फॉर मोर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब अवर टेलीग्राम चैनल एट द रेट बायोलेक्चरर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ पर हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सॉल्विंग्स हो गए सोल्ड असाइनमेंट्स हो गए और नोट्स वगैरह हो गए जो इस चैप्टर से रिलेटेड है देन साथ ही साथ जो भी इग्नू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो भी आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो फटाफट फ़ड़ जाके वहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए देन यहाँ पे हम आ जाते हैं सब क्लास इलासमो ब्रांची पर यानी ये रहा हमारा टॉपिक और इसमें आज हम क्या है सब क्लास इलास्मो ब्रांची के बारे में जानने वाले हैं तो then guys, इलास्मो ब्रांची कहने का मतलब यह है कि वैसे species, वैसे आ, मतलब वैसा क्लास जिसमें कि एनिमल्स जो पाए जाएंगे जो स्पीसीज पाए जाएंगे गाइज स्पीसीज जो पाए जाएंगे उनमें क्या होगा उनमें फाइव टू सेवन गिल्स प्रेजेंट होंगे वो भी कहा लेटरली यानी उसके राइट एंड लेफ्ट साइड में क्या होंगे फाइव से सेवन गिल्स जो होंगे प्रेजेंट होंगे लेटरली जैसे कि आपके सार्स हो गए स्केट्स हो गए रेज हो गए यहाँ पे आपको इतने एनिमल्स मिल जाएंगे यानी हम बात करने वाले हैं नौ सौ सैंतीस स्पीसीज यहां ध्यान रखिएगा 937 हंड्रेड स्पीसीज की बात कर रहे हैं उनमें आपके शार्क स्केट्स और रेस सभी आ जाएंगे इनके जो ग्रुप है इसमें थ्री सुपर ऑर्डर और, और थर्टीन ऑर्डर मिलने वाले हैं इस सब क्लास इलासमो ब्रांची में तो काफी ब्रॉड टॉपिक है ये जिसको हम एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे देन यहाँ पे हम टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले जाके हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन बटन को प्रेस कर देंगे तो हमारे वीडियोज की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी एंड देन वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करिएगा आज हम आपको डिटेल में लास्मो ब्रांची के बारे में बताने वाले हैं देन जो इलास्मो ब्रांची में जो स्पीसीज पाए जाते हैं गाइज ये आपको ज्यादातर उन रीजन में मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा ठंडे होते हैं जैसे कि आर्कटिक हो गया और अंटार्कटिक हो गए पे आपको क्या है जस्ट ओशन को कहते हैं हम जो कि अंटार्टिका के पास जो पाया जाता है और आर्कटिक जो हो गया जस्ट आपके नॉर्दर्न पोल में जो लोकेटेड है वो आपका आर्कटिक ओशन हो गया तो यहाँ पे इनके वाइडेस्ट रेंज मिलेंगे आपको वाइडेस्ट वराइटी मिलेगी इलास्मो ब्रांची में जो पाए जाने वाले स्पीसीज होते हैं देन इनमें जो इलास्मो ब्रांची में आपके मोस्ट तो बिस कौन से होते हैं तो गाइज यहाँ पे आपको शार्क्स मिलेंगे जो कि कैसे रीजन में पाए जाएंगे तो सेलो ट्रॉपिकल वाटर्स में पाए जाते हैं ये छिचले पानी होते हैं ज्यादा गहरा भी नहीं होता है डीप वाटर भी नहीं होता उस जगह पर आपको मिल जाएंगे देन हाईली एडेप्टेबल होते हैं ये इन्वायरमेंट के यानी ये आ, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में जो टेम्परेचर होता है गाइस काफ़ी ज़्यादा लो होता है है ना और फिर उसके नीचे जब आते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होता है तो कहने का मतलब ये है ये टेम्परेचर किसी भी तरह का हो ये उस एन्वायरमेंट में आसानी से खुद को अडेप्ट कर लेते हैं तो इनमें अडेप्टेबल अडेप्ट कर लेते हैं किसी भी आ, आ, आराम से एनवायरमेंट में देन सभी शाख जो होते हैं उनका कैसा बॉडी होता है तो ग्रेसफुली स्ट्रीम बॉडी होता है स्ट्रीम लाइन का मतलब मैंने बता दिया है उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से लेटरली कंप्रेस्ड होता है यहां स्ट्रक्चर में सही नहीं बना रहा हूं देन यहां पे मैं बात कर रहा हूं शाक की तो गई सार्क का कुछ इस तरीके से लेटरली कंप्रेस्ड होता है जो कि हाईली एक तरीके का जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस जो फेस करना पड़ता है वाटर में सेलो वाटर ये आपका सॉरी सेलो नहीं ये मराइन वाटर होता है सॉल्टी वाटर होता है तो काफ़ी ज़्यादा विस्कस होता है ये तो इनमें जो मूवमेंट करना आ, किसी भी फिश के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है तो देन इसकी बॉडी का बनावट इस तरीके का होता है कि आसानी से मोबिलिटी कर पाते हैं आराम से ये मूवमेंट कर पाते हैं ठीक है क्योंकि इनकी बॉडी कैसी होती है फ्यूजिफॉर्म भी होती है साथ ही साथ स्ट्रीमलाइंट बॉडी होती है देन बात करें यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है गाइज बात कर रहे हैं हम स्पाइनी डॉग फिश की बात करें डॉग फिश शार्क जो है जिसको हम स्क्वेलस एकेंथियस कहते हैं क्या कहते हैं गाइज स्क्वेलस एकेंथियस कहते हैं जो कि आपका यहाँ पे दिख रहा होगा इसका जो पैक्टोरल फिन पाया जाता है पैक्टोरल नहीं डोरसल फिन पाया जाता है तो डोरसल फिन थोड़ा अलग टाइप का होता है और डोरसल फिन में इस तरीके का यहाँ पे स्पाइन आपको देखने को मिलता है ठीक है ये जस्ट कांटा टाइप जैसा है निकला होता है नॉर्मली हम देखते हैं शार्क में कुछ इस प्रकार का फिन होता है तो देन हम क्या समझते हैं कि देखो भैया आ बट हम बात हैं हम डॉग फ्रिश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका जाता है, स्पाइनी है ये, और यहाँ पे जो फिन होता है, कुछ इस प्रकार का होता है ना? इस तरीके का आपको डोरसल फिन देखने को मिलता है देन बात करें, यहाँ पे दो डोरसल फिन पाए जाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है और इनके सेकंड डोरसल फिन के पास भी स्पाइन लाइन यहाँ पे लगा रहता है देन कॉडल फिश देखें तो कॉडल फिन इनका कैसा है तो हेटरो सिरल है हेटरो सिरल कहने का मतलब ये है जो आपके टेल्स होते हैं जो फिशेस में पाए जाने वाले टेल्स हैं उनके लोब्स जो गाइस आपको देखने को मिलेंगे वो इक्वल देखने को नहीं मिलेंगे वो कैसे होंगे तो अनइक्वल लोब्स देखने को मिलेंगे और साथ ही इसमें जो इसका वर्टिब्रल कॉलम होता है इसके अपर वाले लोब की तरफ क्या होगा टिल्टेड देखने को मिलेगा जस्ट टॉवर्ड टेंड देखने को मिलेगा ठीक है तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे बड़ा वाला जो इसका लोब है वहां पे आपको टिल्टेड देखने को मिलेगा देन पे हम एक और चीज देख सकते हैं ये जो रीजन है इसका ये वाला जो लास्ट वाला रीजन ये कॉर्डल कहलाता है साथ ही कॉर्डल के इधर पेल्विक फिन और यहाँ इसका लेटरल लाइन भी आप देख सकते हैं इसमें uh, कई सारे uh, क्या कह कहते हैं स्केल्स वगैरह भी पाए जाते हैं पैक्टोरल फिन देखेंगे तो पैक्टोरल फिन थोड़ा इसका डिफरेंट टाइप का देखने को मिलेगा नॉर्मली शार्क में थोड़ा सा शार्प टाइप होता है बट यहां पे आपको पेक्टोरल फिन ये जस्ट ब्लेडर uh, टाइप जस्ट uh, है की बात कर रहे। का, देखने को और याद रखिएगा इनके गिल्स जो है इनके ऊपर ऊपर कुलम नहीं होता ढक्कन नहीं होता किसी प्रकार का ठीक है तो इस चीज को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना इनमें से जो वाटर है निकलता रहता है मुंह से वाटर गया एंड देन यहाँ पे आप इसका माउथ

हमें मेमल्स में देखने को मिलता है नोस्टल जिसकी मदद से वो स्मेल इस, ले सकते हैं साथ ही साथ आ, क्या कहते हैं रेस्पायरेशन भी कर लेते हैं बट यहाँ पे रेस्पायरेशन का कोई रोल नहीं होता नोस्ट्रेल का सिर्फ और सिर्फ सेंस करना स्मेल कर पाना इसका काम होता है नॉस्ट्रेल से देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रोस्ट्रम है जस्ट इस तरीके का इसका एक आगे वाला आ, प्रोस्टोमियम टाइप लाइक क्या है आ, जो रीजन है ये निकला पड़ा है तो यहां पे आपने बिल्कुल अच्छे से स्क्वेलस एक्स फीमेल के बारे में हमने क्या है आ, अच्छे से जान लिया है ठीक है तो यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे पेयर पैक्टोरल फिन पाया जाता है और साथ ही साथ पेल्विक फिन भी इनका पैक्टोरल पेल्विक किधर है तो ये वाला इनका पेल्विक फिन है और पैक्टोरल किधर है गाइज तो ये रहा पैक्टोरल इसके दोनों साइड मिलेगा दोनों लेटरल साइड मिलेगा इसी तरह पेल्विक भी इनके दोनों साइड मिलेगा साथ ही मेल में क्या होता है गाइज पेल्विक फिन जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो पेल्विक फिन है ये क्लैस फॉर्म कर लेते हैं क्या करते हैं क्लैस्पर फिन कहलाता है जस्ट क्लैस्पर फॉर्म कर लेते हैं है ना और ये सिर्फ आपको मेल में देखने को मिलता है तो और जब मेल में देखने को मिलता है तो हम इसको सेक्सुअली डायमोर्फिज्म भी कह लेते हैं क्योंकि ये एक तरीके से सेक्सुअली क्या करता है अलग कर देता है मेल uh, को फीमेल से है ना डायमोर्फिज्म ठीक है तो ये हम फीमेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इसमें आपको पेल्विक फिन क्लैस्पर टाइप देखने को नहीं मिलेगा मॉडिफाई नहीं हो रखा है क्लैस्पर में बट हम बात कर रहे हैं मेल की तो मेल में आपको ये क्या है पेल्विक फिन क्लैस्पर में मॉडिफाई हो जाता है देन यहाँ पे दो डोरसल फिन जैसा कि पहला फर्स्ट डोरसल फिन यहाँ पे देखने को मिला सेकंड डोरसल फिन यहाँ पे देखने को मिला साथ ही इन दोनों के साथ आपको स्पाइन भी देखने को मिला इनके डोरसल फिन में स्क्वेलस के दोनों डोरसल फिन में आपको स्पाइन प्रेजेंट देखने को मिला और यहाँ पे एनल के पास एक फिन है जो कि मोस्ट सार्क में पाया जाता है है ना दिस इज़ नॉट प्रेजेंट इन स्क्वेलस ठीक है तो यहाँ पे एन के पास जो ये प्रेजेंट है पेल्विक फिन है बट हम एनल फिन यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे सार्कस में एनल फिन नहीं पाए जाते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात का कि एनल फिन जो होते हैं गाइस वो शार्क्स में क्या होते हैं गाइस शार्क्स में अपसेंट होते हैं इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे ठीक है एनल फिन आपको नॉर्मली बोनी फिशेज में और जो अदर फिशेज हैं उनमें आपको देखने को मिलता है अदर जो आपके कार्टिलेजिनियस फिशेज होते हैं चलिए अब हम एक एक करके इनके फीचर्स के बारे में बात करते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे आपको स्क्वेलस एसेंथियस फीमेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया गया देखिए टेल जो होता है गाइज इनका हैट्रोसिरल होता है यानी हेट्रोसिरल का मतलब मैंने ये बताया था कि लोब्स क्या होते हैं गाइज अन इक्वल होते हैं लेंथ में और ये प्रोवाइड करते हैं जस्ट थ्रस्ट जो कि क्या है उसको मूव करने में मदद करता है बैक एंड फ्रोथ जो भी फोर्स प्रोड्यूस होता है इनके बॉडी के अंदर वो इनका जो कॉडल फिन है जो हैट्रोसिल क्या कहते हैं सिरल टेल है उनके मदद से ही ये स्विमिंग कर पाता है पीछे से बॉडी को आगे की ओर धकेल पाता है देन बात करें इनके पास लेटर प्रेजेंट होते हैं जो कि कैसे होते हैं होते हैं लीड लेस होते हैं आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि कौन से स्पीसीज मतलब कौन से क्लास में आपको लीडलेस आइस देखने को मिलते हैं सबसे पहले कौन से क्लास में लीड आता है आइस के आई आई, आई, आई के ऊपर जो पलक होता है जस्ट जिसे हम झपकते हैं तो वो चीज आपका इनमें प्रेजेंट नहीं होता ऑल टाइम इनका आईज ओपन होता है देन बात कर रहे हैं हम रेमिनेंट फर्स्ट इसमें गिल स्लिट जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है वहां पे स्पायरेकल आपको देखने को मिलेगा ईच आई के पास ठीक है आई के पास आपने क्या देखा है? यहाँ पे यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र होता है पोर होता है आई के पास जिसे हम स्पायरेकल कहते हैं अब स्पायरेकल के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि एक पेयर्ड नोस्ट्रल्स भी देखने को मिलता है दो इस तरीके से आ, आ, होल मिलते हैं जो कि नोस्ट्रल का, का काम करता है स्मेल का, का, का काम करता है एसोसिएशन विद सेंस एंड ऑफ स्मेल ठीक है तो यहाँ पे

साथ ही हम बात करें इसके चौथे फीचर के बारे में तो यहाँ पे प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं यानी हम जब कभी सार के स्किन की बात करते हैं या इंटिगमेंट की बात करते हैं गाइज तो इनका एंटिगमेंट जो है इनमें एक डर्मल डेरिवेटिव देखने को मिलता है डर्मल डेरिवेटिव अब ये डर्मल डेरिवेटिव क्या है तो डर्मल डेरीवेटिव यहाँ पे है प्लेकॉइड प्लेकॉइड स्केल है प्लेकॉइड स्केल है इसके बारे में हमने कई बार पढ़ा है ये डर्मल लेयर से डराइव होता है अब ठीक है अब ये जो प्लेकर्ड स्केल होता है काफी ज्यादा टफ होता है ये फिश को मैकेनिकल रेजिस्टेंस से बचाता है वाटर में जिस तरीके से वाटर से काफी ज्यादा फ्रिक्शन होता है रेजिस्टेंस होता है उससे भी इसको मदद करने का काम करता है ठीक है और यहाँ पे देखिए बनता कैसे ही है तो ये कम्पोज होता है वस्कुलर इनर कोर यानी यहाँ पे इनर कोर में इसके पल्स होते हैं देन मिडिल लेयर होता है डेंटाइन का कुछ इस तरीके का होता है यहाँ पे अभी मैं दिखाऊंगा यहाँ पे मिडिल कोर में यहाँ पे क्या है मिडिल पल्प पाया जाता है क्या पाया जाता है पल्प पाया जाता है गाइज और इसी से आगे की ऊपर की ओर बढ़ता है ये और अंदर वाला रीजन जो है गाइज ये आपका क्या कहलाता है डेंटाइन कहलाता है क्या कहलाता है डेंटाइन एंड आउटर लेयर जो होता है सबसे ज्यादा उसको हम कहते हैं इनेमल कहते हैं ये क्या है इनेमल है इनेमल लाइक आउटर कवरिंग होता है जिस एकदम किस तरीके का लगता है वैट्रोडेंटाइन की तरह लगता है यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपको प्लेकॉर्ड एस ऑफ प्लेकॉर्ड स्केल आपको दिख सकता है ये क्या है कैरकेरोड्रोन व्हाइट सार्क में आपको इस तरीके का देखने को मिलता है ना कुछ इस तरीके का होता है इस तरीके का त्रिशूल टाइप है ना कुछ इस तरीके का इसमें आपको देखने को मिलता है तो ये जो आपका स्केल है इसमें आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे डर्मल स्केल कहलाता है ये वाला रीजन देखिए आप Uh, दूसरा जिसका मतलब इसमें इनसाइड अंदर की तरफ प्लेकॉर्ड स्केल में क्या क्या चीज होता है तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है अंदर की तरफ इसमें पल्प पाया जाता है पल्प कैबिटी कहलाता के है ये इसमें कई सारे सबस्टांस होते हैं जस्ट फॉस्फोरिक सबस्टांस और भी बहुत सारे सबस्टांस होते हैं जो कि आगे इसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है साथ ही यहाँ पे हम बेसल प्लेट देख सकते हैं कुछ इस तरीके का रोमबोर्ड लाइक क्या होता है आपका बैसल प्लेट प्रेजेंट होता है जिस पे ये एग्जिस्ट करते हैं साथ ही ये स्पाइंस इसमें देख सकते हैं डेंटाइन देख सकते हैं और आउटर लेयर में इनके इनेमल प्रेजेंट होता है जो कि इसको एक हार्ड कवरिंग एक हार्ड लेयर प्रोवाइड करता है काफी ज़्यादा टफ होता है ठीक है देन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माउथ की पांचवा जो इसमें फीचर है इसमें हम माउथ की बात कर रहे हैं जो कि लोकेटेड आपको कहाँ मिलेगा वेंट्रली लोकेटेड मिलेगा तो यहाँ पे आप देख सकते थे यहाँ पे जैसे कि ये फिश है जिसका नाम है क्या नाम है स्क्वेमस स्क्वेलस एकेंथियस ठीक है तो यहाँ पे इसका माउथ किधर था तो वेंट्रल रीजन में था वेंट्रल साइड में था ठीक है तो याद रखिएगा इसका जो एंटीरियर साइड में जो माउथ मौजूद है वो कहाँ पे होगा उसके वेंट्रली साइड होगा और यहाँ पे बोथ लोअर और अपर जो जो है सार्क के इनके ऊपर आपको शार्प तीथ देखने को मिलेगा इसका इसका जो साफ तीथ है गाइज यहाँ पे मैंने बता रखा है जैसे कि इनका जो साफ तीथ होता है माउथ के अंदर ये जो डराइव होता है किससे मॉडिफाइड मतलब प्लेकोइड स्केल आ, का कोइड स्केल का मॉडिफाइड वर्जन होता है मॉडिफाइड वर्जन होता है इसका क्या होता है तीत होता है याद रखिएगा इस बात को भी देन यहाँ पे फ्रंट रो जो होता है वो फंक्शनल तीत होता है जो कि फॉलोड बाय द बैक रिप्लेस द फ्रंट रेगुलरली एज दे गेट आउट कभी कभी उसके शिकार करने के समय उसके क्या होते हैं आगे के जो कुछ दांत होते हैं जो कि उसके फंक्शनल तीत होते हैं वो क्या हो जाते हैं आउट हो जाते हैं टूट के बाहर आ जाते हैं तो देन वो क्या होता है टाइम टू टाइम क्या होता है रिप्लेस होता रहता है यानी उस जगह पे एक दांत के जगह दूसरे दांत क्या हो जाते हैं उगते रहते हैं टाइम टू टाइम इस बात को भी याद

आ, मिल जाता है ठीक है तो ये दोनों ही सेपरेट होते हैं साथ ही फ्रैनिक्स जो है वो लीड करता है वाइड ऑसोफेगस तक तो यहाँ पे देखिए आप इसके स्ट्रक्चर को हम इंटरनल स्ट्रक्चर को एक बार देखते हैं तो ये रहा इसका रोस्ट्रम जो इसका आगे वाला जो पार्ट होता है जो इस तरीके का लोबी पार्ट होता है टॉप फ्रंट होता है इसका उसको हम रोस्ट्रम कहते हैं देन इसका माउथ ये ब्रेन जो होता है गाइस ट्राई होता है यानी ब्रेन जो है थ्री पार्ट में डिवाइडेड होता है यानी फोर ब्रेन हो गया मिड ब्रेन हो गया हिंड ब्रेन हो गया ठीक है ये एक तरीके से क्रेनेटा या मैं कहूँ वर्टी वर्टिब्रेटा नी वर्टिब्रेटा नी पूरा जो ये है हाँ वर्टिब्रेटा ही वर्टिब्रेटा का एक प्रोमनेंट फीचर भी माना जाता है कि जिसमें कि हमें ब्रेन जो है आ, आ, जस्ट नहीं ये क्रैनेटा में हो जाता है जब ब्रेन केस आ जाता है ना तो देन आपको ब्रेन जो है यहाँ पे थ्री पार्ट में डिवाइड देखने को मिल सकता है देन यहाँ पे ब्रांचियल आर्टरी प्रेजेंट होती है एक होता है एफरेंट ब्रांचियल आर्टरी एक होता है ई फ्रेंट ब्रांचियल आर्टरी होता है ठीक है तो ब्रांचियल आर्टरी का काम होता है कि पूरे बॉडी से ब्लड का सर्कुलेशन जस्ट इसके गिल्स तक पहुंचाने का काम होता है देन एफ्रेंट का क्या काम होता है जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया जाता है उसको वापस से पूरे बॉडी तक क्या है उस ब्लड को मूव कराने का काम होता है उस आर्टरी के थ्रू ठीक है तो याद रखिएगा ए फ्रंट और एफ फ्रंट ब्रांचल आर्टरी का काम देन यहाँ पे डोर्सल अरोटा प्रेजेंट होता है जो जो क्या कहते हैं थिकेस्ट एक तरीके से अरोटा होता है वो डोर्सल साइड में इसके प्रेजेंट होता है यहाँ पे हम टेस्टिस भी देख सकते हैं टेस्टिस इसके जस्ट मिडिल पार्ट में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे ये स्पम्प वगैरह स्टोर करके रखते हैं स्पम्प का फॉर्मेशन इसी में होता है टेस्टिस में होता है देन यहाँ पे सिलिक आर्टरीज आप देख सकते हैं ये जस्ट इस साइड है आपका सिलिक आर्टरीज मिड वेंट्रल साइड में है देन यहाँ पे हम स्टोमक देखेंगे तो इसका स्टोमक भी काफी आ, क्या है बड़ा सा देखने को लग रहा है और ये ओ, जो स्टोमक होता है गाइज जे शेप्ड होता है कैसा होता है गाइज जे शेप्ड आपको देखने को मिलेगा देन यहाँ पे हम किडनी देखते हैं तो किडनी आपको इसमें मैटा आ, मैटा नहीं मीजोनेफ्रिक या फिर ऑफिस्थोनेफ्रिक आपको देखने को मिलता है कि इसमें ऑफिस्थोनेफ्रिक ठीक है ऑफिस्तोन एफ्रिक कहने का मतलब ये है कि ये मिजो मीजो और मेटा दोनों ही आपको इसमें देखने को मिलता है ठीक है

रिमूव हो जाता है जस्ट ये क्या ओपन हो जाता है तो वैसा इंटरसेक्शन पॉइंट वैसा एक जंक्शन पॉइंट जहां पे आपका uh, एक्सक्रीटरी uh, ऑर्गन और क्या कहते हैं जस्ट डाइजेस्टिव जो डाइजेस्टेड फूड जो है एनस जो है एक जगह ओपन होता है तो उस वाले रीजन को हम क्लोएका कहते हैं ठीक है बात समझिएगा यहाँ पे दो डक्ट एक साथ खुल रहे हैं ठीक है तो ये आपका क्लोएका हो गया देन यहाँ पे कॉर्डल आर्टरी देख सकते हैं ये जो एंड वाले रीजन में लास्ट वाले रीजन में फिश के आर्टरीज प्रेजेंट होते हैं उनको हम कॉर्डल आर्टरी और जो वेन uh, होते हैं वो भी कॉर्डल वेन जो सबसे लास्ट में वेन प्रेजेंट होते हैं उनको कॉर्डल वेन कहते हैं यहाँ पे हम पेल्विक फिन देख सकते हैं यहाँ पे एक रेक्टल ग्लैंड पाया जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं एनस के पास रेक्टम के पास जस्ट एक रेक्टल ग्लैंड पाया जाता है इसके फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे देन यहाँ पे स्पाइरल वेल्व देखने को मिल रहा है क्योंकि इसका इंटेस्टाइन होता है ना गाइस काफी ज्यादा छोटा होता है तो यहाँ पे फूड का जो है एक तरीके से टाइमिंग जो है कम मिल सकता है जस्ट फूड को क्लोएका तक पहुंचने में काफी कम समय लग सकता है तो देन यहाँ पे एक स्पाइरल वेल प्रेजेंट होता है जो फूड की स्पीड को रोकता है धीमा करके जस्ट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डाइजेशन हो पाए फूड का एब्जॉर्बसन हो पाए इसलिए यहाँ पे ये स्पाइरल प्रेजेंट होता है स्पाइरल वेल well, यहाँ पे इस तरीके से घूमते घूमते हुए फूड जाता है जैसे कि काफी टाइम लगता है यहाँ पे तक पहुंचने में यहाँ तक पहुंचते पहुंचते फूड क्या हो जाता है डाइजेस्ट हो जाता है देन यहाँ पे हम स्टोमक के बाद यहाँ पे इंटेस्टाइन देख सकते हैं देन यहाँ पे लीवर भी इसका काफ़ी लार्जली लीवर यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है यहाँ पे सकते हैं ऑयल होता है इस लीवर में है ना कोड लीवर ऑयल हो गया या फिर Uh, जो फिश फिश ऑयल जो होता है हम इन्हीं फिशिज से मराइन फिशेज से ही हम एक्सक्रीट करते हैं जिसमें कि ओमेगा थ्री प्रेजेंट होता है देन यहाँ पे हम पेनक्रियाज देख सकते हैं इसका ये रहा इसका जस्ट इसके कहाँ पे है तो स्टोमक के जस्ट नीचे वाले रीजन में और ये वेंटल पार्ट में लोकेटेड है देखिए यहाँ पे जितने भी हमारे ये जो आपके हो गए स्टोमक हो गए ये मिड वाले पार्ट में है बात करें लीवर और पेनक्रियाज uh, की तो ये लास्ट uh, में वेंटल साइड में आपके लोकेटेड होते हैं देन पैक्टोरल फिन देख सकते हैं और हार्ट देख तो इसमें आपका वगैरह ये जो 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 है आ, साइनस जो है है आपको मिल जाएगा टू चैम्बर्ड हार्ट इसमें होता है आ, तो ये रहा इंटरनल एनाटॉमी एनाटॉमी की बात कर रहे थे हम डॉग ठीक स्क्मस स्क्वेलस आ, क्या कहते हैं फीमेल की बात कर रहे थे ठीक है तो यहाँ पे भी वही चीज लिखा है जे सेब स्टोमक शॉर्ट स्ट्रेट इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन काफी ज़्यादा छोटा होता है स्पायरल वेल्व होता है जो कि फूड पैसेज को स्लो डाउन करता है और इंक्रीज करता है एबजॉर्बिव सरफेस को ठीक है वही चीज़ है और रेक्टम जो है इस रेक्टल जो है काफी ज़्यादा शॉर्ट मिलेगा यानी रेक्टम लंबा नहीं है यहाँ पे देन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक रेक्टल ग्लैंड प्रेजेंट है और यहाँ पे अटैचमेंट जो है वो रखा है जिसमें कि वो क्या है जस्टिस कलरलेस सेक्रेट uh, मतलब सेक्रेट करता है कौन रेक्टल ग्लैंड कलरलेस फ्लूड सेक्रेट करता है जो कि हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन कर रखता है यानी बॉडी के अंदर जितने भी ज्यादा एक्स्ट्रा आ, सोडियम क्लोराइड जो होते हैं वो क्या है रेक्टल ग्लैंड द्वारा क्या है एक्सक्रीट कर दिया जाता है है ना और ये जो ग्लैंड जो है इसमें यही इसका एक यूनिक फीचर आपको देखने को मिलता है और कर टीलिजियस फीसिस में आपको काफ़ी यूनिक ग्लैंड देखने को भी मिलते हैं रेक्टल ग्लैंड और क्या क्या करता है तो ये जस्ट ऑफिस्थो नेफ्रिक किडनी के साथ होता है जो कि रेगुलेट करता है वाटर और वाटर के अंदर जो सॉल्व कंसंट्रेशन होता है है ना जिसके बारे में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे वाटर बैलेंस कैसे होता है कार्टिलोज में है ना सेक्शन थर्टीन पॉइंट फाइव में है ना तो ये चीजों को ये तो जस्ट मैंने बता ही दिया है ना देन अब हम बात करेंगे सातवा इंटरनल फर्टिलाइजेशन की यानी बॉडी के अंदर किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है इनर बॉडी फर्टिलाइजेशन कैसे होता है तो शाक जो होता है गाइस कैसा होता है ओबीपोरस होता है ओबीपोरस किसे कहते हैं हम तो वैसे एनिमल जो कि एग ले करते हैं क्या है गाइज एग लेग ले करते हैं यानी जिनके अंदर क्या होता है योकी एग प्रेजेंट होता है क्या होता है गाइज योकी एग प्रेजेंट होता है तो हम बात कर रहे हैं शार्क की तो शार्क में योकी एग प्रेजेंट होता है बट यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन के, के बाद ये क्या है जस्ट एग को रिमूव नहीं करते बॉडी के अंदर जस्ट उसके बॉडी के अंदर जस्ट क्या है लंबे समय तक अपने बॉडी के अंदर रखते हैं और जब वो वो हैच हो जाता है एग से जो बच्चे होते हैं मछली के उसके जो यंग वंस होते हैं वो बाहर आ जाते हैं तो देन उसको क्या है वाटर के अंदर वो रिमूव कर देता है जस्ट निकाल देता है ना तो देन यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को शो करता है यहाँ पे शार्क यानी हमने इससे पहले वीवी पोरस भी पढ़ा है वी पोरस वैसे एनिमल होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनमें क्या प्रेजेंट होता है ग्लैंड um, भी प्रेजेंट होता है और साथ ही वो अपने यंग वंस को इंटरनली uh, uh, क्या करते हैं डेवलप करते हैं इंटरनली डेवलप करते हैं इंटरनली डेवलप होने वाले जो यंग uh, वंस होते हैं वो वीवी -वी पोरस एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एग भी प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ ये वीवी -वी पोरस होते हैं इंटरनली डेवलप भी करते हैं तो इसमें एक नेम दिया गया है यहाँ पे इसको क्या नेम दिया है इन दोनों का एक कॉमन नेम कह सकते हैं ओ बी ओ बी वी वी, -वी पोरस यानी ये दोनों काम कर रहे हैं पोरस वाला भी काम कर रहे हैं वीवी पोरस वाला भी काम कर रहे हैं तो इन्हें हम ओबी पोरस एनिमल कह सकते हैं जो कि यंग वन को नरिश करते हैं योग के जरिए और ये मदर के इनसाइड यानी मदर के अंदर ही ये क्या होते हैं डेवलप होते हैं तो ये ट्रूली एक तरीके से हम बीवी पर पैरस भी कह सकते हैं देखिए जिनमें क्या होता है कि पूरी तरीके से मदर के अंदर ही यौक यौकी एग नहीं होता और साथ ही मदर के अंदर एम्ब्रयो डेवलप होता है तो वो आपका बीवी पैरस कहलाता है यानी जो नरिशमेंट होता है गाइज नरिशमेंट होता है बीवी पैरस में एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको जो नरिशमेंट होता है वो प्लेसेंटा सेल के जरिए होता है उसमें एम्ब्रियो का एम्ब्रियो का नरिशमेंट जो होता है गाइज वो प्लेसेंटा सेल के थ्रू होता है आप सभी जानते भी होंगे प्लेसेंटा एक सेल होता है एक पाइप होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूट्रिशन बॉडी यंग वंस के बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है ब्लड स्ट्रीम के जरिए ठीक है जो कि इसमें ऑलरेडी ओबीपोरस में ऑलरेडी यॉक प्रेजेंट होता है तो जो कि कार्ब, काफ़ी कार्ब्स होते हैं उसमें जो कि आ, एनिमल्स को जो यंग वंस है उसको न्यूट्रिशन के लिए काफी होता है ठीक है तो कुछ इस तरीके के, का हमें डिफरेंस देखने को मिलता है यहाँ पे भी लिखा है सेम वही चीज कि ब्लड स्ट्रीम के जरिए जो आपके ऑरिजिनली वीबीपोरस जो एनिमल होते हैं वी पोरस एनिमल होते हैं उसके एम्ब्रियो जो होते हैं गाइज वो ब्लड स्ट्रीम के जरिए थ्रू प्लेसेंटा सेल के जरिए न्यूट्रिशन का एक तरीके से कैरी करते हैं और साथ ही साथ एक चीज और होता है कि यहाँ पे जो यूटराइन है, है ना यहाँ पे मिल्क ऑफ दी मदर यानी जो मदर जो उसके अंदर जो ममरी ग्लैंड एक्टिव होते हैं और जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं साथ साथ उनको मिल्क भी आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पे जो टोटली एक तरीके से बेबी पोरस होते हैं उनमें पेरेंटल केयर भी देखने को मिलता है है ना तो यहाँ पे भी हम पेरेंटल केयर एक तरीके से देख रहे हैं जैसे शार्क में है ना जब तक साख पैदा नहीं होता तब तक, तक वो क्या होता है पेरेंटल केयर में रहता है मदर की बॉडी के अंदर अवेलेबल रहता है आठवां हम बात करें तो मराइन इलासम ब्रांचेज जो है वो रिटेन कैसे करता है नाइट्रोजनियस कंपाउंड को तो ये स्पेशली किस तरीके से करता है तो यूरिया यूरिया के ज़रिए नॉर्मली हम लोग भी क्या होता है था? हमारे यूरिन में यूरिया यूरिक एसिड या फिर क्या कहते हैं अमोनिया जस्ट लाइक प्रेजेंट होता है हमारे में तो नहीं जस्ट बर्ड में अमोनिया प्रेजेंट होता है ठीक है हमारे में यूरिया प्रेजेंट होता है हमारे यूरिन में और यूरिक एसिड भी होता है ठीक है तो देन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तीसरा दूसरा यहाँ पे कंपाउंड की नाइट्रोजन कंपाउंड की जिसका नाम होता है ट्राई ट्राई मिथाइल मीथायल मिथाइल एमिन एमिन ग्रुप जो लास्ट में आ गया तो इसमें हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या है आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो ट्राई मिथाइल एमिन जो है ऑक्साइड जो है ये जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टीएमओ कहते हैं ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्रूड है जो कि एक तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है ये जो शार्क हो गए, या इलास्मो ब्रांची हो गए, इनमें आप क्या है जैसे एक्सक्रेशन में हेल्प करता है तो ये ऑस्मो रेगुलेशन के जरिए होता है ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे बिल्कुल ठीक है देन साग जो है इनके पास सेंसिटिव सेंसरी सिस्टम पाया जाता है यानी यहाँ पे हम एसएसएस कह सकते हैं एक तरीके से याद रखिएगा सेंसरी सेंसिटिव सेंसरी सिस्टम यानी एक तरीके से ये अनेबल करता है क्या चीज अनेबल करता है तो ये अपने प्रे को प्रे मतलब होता है गाइस शिकार होता है ये शिकार को अपने आसानी से क्या कर सकते हैं ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि ये हल्का सा भी एक वेव्स या वाइब्रेशन जो एक प्रोड्यूस होता है कंपन प्रोड्यूस होता है वाटर के अंदर उसको आसानी से वो महसूस कर सकते हैं सेंस कर सकते हैं इसलिए हम कह रहे थे से क्या सेंसिटिव काफी ज़्यादा सेंसिटिव सेंसरी सिस्टम होता है मतलब हल्की सी भी वाइब्रेशन को वो आसानी से समझ जाता है यानी कई किलोमीटर भी अगर उनका क्या है प्रे मौजूद हो उनसे दूर हो तो वो क्या है आसानी से वो अपने ऑल फैक्ट्री ऑर्गन जो प्रजेंट होते हैं ऑल फैक्ट्री ऑर्गन जो होते हैं उनके मदद से ये जान जाएगा ठीक है तो ऑल फैक्ट्री ऑर्गन जो होते हैं जो सेंस ऑर्गन स्मेल ऑर्गन होता है उनका उनको ऑल फैक्ट्री कहते हैं साथ ही जो प्रे होता है मतलब काफ़ी दूर डिस्टेंस में भी हो तो उनके मशीनों रिसेप्टर जो होते हैं लेटर लाइन सिस्टम भी पाया जाता है उनमें जो कि रिसेप्ट कर पाते अब लेटरल लाइन सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है मशीनों रिसेप्टर किस तरीके से वर्क करता है इसके बारे में भी हम जानेंगे तो ये जो सिस्टम गाइज बना होता है वो किसका बना होता है तो इसमें एक स्पेशल रिसेप्टर ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं न्यूरो must says take care अब ये न्यूरो न्यूरोमस्ट सेल्स जो है गाइज ये इंटरकनेक्टेड होते हैं ट्यूब्स के फॉर्म में और और क्या होते हैं पोर्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं कहाँ पे तो उसके बॉडी के आ, मतलब फिश के बॉडी के हेड में जो मौजूद होता है ना तो यहाँ पे लाइन से क्या होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं जस्ट हमें विजिबल नहीं लगेंगे देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन ये बॉडी के साइड में क्या है जस्ट ये छोटे छोटे पोर्स हेड के ऊपर मौजूद होंगे अब ये न्यूरोमस्ट क्या करते हैं काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस होता है वाटर में वाटर में किसी तरह की हलचल होती है, तो उसमें क्या हो जाता है ये जस्ट एक्टिव हो जाता है, है इनेबल कर देता है शार्क को कि डिटेक्ट कर लेता है जस्ट कि आसपास जो है रिफ्लेक्टेड वेव जो है वाटर की उसे पता कर देते कि आसपास कोई ना कोई दूसरा प्रे है या फिर क्या कह सकते हैं किसी प्रे को ट्रैक करने के लिए वो यूज कर लेता है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसा कि ये देखिए ये रहा ये शार्क है और शार्क का ये इस तरीके से ये 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 पोर्स पोर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं हैं अब ये जो पोर्स है, जस्ट ये जो जस्ट मैस्ट सेल के बने होते हैं जस्ट ये अटैक में मतलब शार्क को अटैक करने के लिए काम करते हैं ये जस्ट गाइड करते हैं इलेक्ट्रो रिसेप्टर की तरह तो इसको कहते क्या है तो इसको हम कहते हैं एम्पला ऑफ लॉरेंजनी एम्पला ऑफ लॉरेंजनी जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि ये एक प्रकार का इलेक्ट्रो रिसेप्टर है जो की फिशेज के अंदर पाया जाता है जो की न्यूरो मस्त सेल के द्वारा फॉर्म होता है छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि इसके हेड के पास मौजूद होते हैं ठीक है इस बात को याद रखिएगा मेनली ये लोकेटेड कहाँ होते हैं सार्क के हेड में होते हैं और ये क्या है ये सीन बाई आप जस्ट आंखों से भी देख सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो पिक्चर छपा हुआ है तो इसमें हम क्या है ये जस्ट आपको ये इस तरीके के पोर्स देखने को मिल जाते हैं ठीक है देन यहाँ पे सरफेस पोर इस तरीके से होते हैं जिस तरीके से यहाँ पे देखिए ये एक सिस्टम होता है इसके अंदर यहाँ पे एक लेटर लाइन कैनाल होता है और लेटर लाइन कैनाल के अंदर यहाँ पे नर्व से कई सारे अटैच होते हैं क्या न्यूरोमस्ट सेल्स ये देखिए इस लेटर लाइन सिस्टम से न्यूरोमस्ट सेल्स क्या होते हैं अटैच होते हैं जब भी कोई क्या कहते के, हैं पानी में हलचल होती है तो ये वाइब्रेशन जस्ट इसके लेटर लाइन सर कैनाल में जाता है और इसके जो न्यूरोमस्ट सेल होते हैं काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं इसको महसूस करते हैं और ये नर्व तक इनके सिग्नल पहुंचाते हैं जो कि इनके ब्रेन तक आ, लेकर जाया जाता है सिग्नल ठीक है ये डेंटाइनस का तो कुछ इस डेंटाइनजस्ट कहने का मतलब स्केल है ये तो कुछ इस तरीके का इसमें फीचर आपको देखने को आ, मिल जाता है ये लेटर लाइन सिस्टम किन में पाया जाता है इसके बारे में हम बीजेड वाई सी टी वन थ्री थ्री में भी पढ़ेंगे

इलेक्ट्रो रिसेप्टर कहलाते हैं ये प्रे करने के लिए ट्रैक प्रे को ट्रैक करने के लिए ठीक है देन यहाँ पे आपको ये जो इलास्मो ब्रांचेज है मतलब जितने भी इलास्मो ब्रांचेज पाए जाते हैं रेज की बात कर लें स्केट्स की बात कर लें रेज और स्केट्स अभी हम बताएंगे ये जो स्पीसीज हैं दोनों एक जैसे देखने को लगते हैं बट इनमें कुछ डिफ्रेंसेज है उस पर भी हम चर्चा करेंगे ठीक है तो ये सुपर और बटोइडिया क्या है बटोइडा बटोइडा में पाया जाता है बेटोइडा में पाया जाता है ये सुपर ऑर्डर रेज और स्केट्स और यहाँ इन स्पीसीज में आपको इलेक्ट्रिक रेज कहते हैं सौ रेज स्टिंग रेज मेंटा रेज ठीक है टॉर्पीडो भी कहते हैं कुछ स्पीसीज का नाम होता है तो देन उसमें हम जानेंगे किस तरीके से इनमें क्या कहते हैं इलेक्ट्रो क्या कहते हैं रिसेप्टर वर्क करता है देखिए स्केट्स और क्या हो गए रेज हो गए इनमें स्पेशलाइज्ड बॉटम ड्वेलिंग कहलाते हैं यानी ये पानी के नीचे आ, क्या होते हैं पानी के नीचे जस्ट बिनिथ वाटर बिनिथ वाटर छोटे-छोटे स्पीशीज को छोटे-छोटे शिकारों -छोटे को ये अपने शिकार बनाते हैं और ये पानी के नीचे रहना पसंद करते हैं इसलिए हम इन्हें बॉटम ड्वेलर कहते हैं डोर्सो वेंटरली फ्लैटनेट होते हैं यानी कुछ इस प्रकार के होते हैं यहां पे मैं बना के दिखा देता हूं आपको इस तरीके के ये स्केट होते हैं जस्ट पतंग की तरह और पतंग की जैसी पूछ होती है बिल्कुल इस तरीके का इनका पूछ होता है अब हम ये बात करेंगे कि स्केट और आ, क्या कहते हैं स्केट्स स्केट्स मतलब ऐसा मत समझ लेना वो जो पहिए वाला जो जूता होता है ना वो नहीं है स्केट्स और आ, क्या कहते हैं रेज लगभग देखने में सिमिलर लगेंगे सेम लगेंगे ठीक है इसमें हम डिफरेंसेस पे बात करेंगे किस तरीके से ये डिफरेंट होते हैं तो यहाँ पे Uh, और क्या क्या चीज है? है और इनका जो मूवमेंट होता, होता, -like होता है कुछ इस तरीके से बॉडी का जो मूवमेंट है किस तरीके का होता है वेव लाइक -like होता है डाउन इस तरीके का क्या होता है मूवमेंट uh, होता है और, और, और क्या होता है इसमें और इसी तरीके से इनका पैक्टोरल फिन जो होता है जो कि कैसा होता है विंग लाइक -like होता है इस तरीके से आप देख रहे होंगे ये इनका पैक्टोरल फिन है ये जो है ये जो पतंग की तरह जो है ना ये फिन है ये जस्ट क्या है ऊपर नीचे इस तरीके से ऊपर लेके आती हैं। और इस तरीके से ऊपर फिर उसके बाद इस तरीके से नीचे लेके आते हैं है ना तो कुछ इस तरीके का मूवमेंट इनमें होता है जिससे कि एक तरीके से ऊपर नीचे खुद को कर पाते हैं प्रोपेल कर पाते हैं असल लैंग्वेज में अगर हम कहें ये प्रोपेल कर पाते हैं खुद को देन यहाँ पे हम बात करेंगे स्केट्स और रेज के डिफरेंसेस के बिटवीन यहाँ पे समराइज किया गया है तो एक बार हम फटाफट रेज और क्या है स्केट्स के डिफरेंसेस को देख लेते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये देखिए ये रहा आपका दो तीन स्पीसीज है यहाँ पे ए बी सी करके बताया गया तो ये जो ए वाला है यहां पे आ, इसको कहेंगे माइलियो बैटिस क्या कहेंगे माइलियो बैटिस कहेंगे ये देखिए ये जैसे लग रहा है कि पानी के अंदर एक कोई पंछी उड़ रहा है या फिर कोई कबूतर या फिर चील वगैरह टाइप क्या है उड़ रहा है ना इस तरीके से फ्लैपरिंग करते हैं जस्ट आ, अपने पैक्टोरल फिन को जिसके कारण ये प्रोपेल कर पाते हैं आगे ये बी वाला जो हम पार्ट देख रहे हैं ये मतलब एक तरीके से सबसे बड़ा रेज है बहुत बड़ा रेज है जो कि आपके ओशन में पाया जाता है देन दूसरा यहाँ पे राजा बाइनोकुलेटा है यहाँ पे देखिए राजा बाइनोकुलेटा जिसे हम बिग स्केट कहते हैं ठीक है थीके? ये एक स्केट है इसको हम राजा राजा बाइनोकुलेटा कहते हैं इसके ऊपर पीछे टेल देख रहे होंगे और इनमें भी आपका कुछ इस तरीके से पैक्टोरल फिन मौजूद है इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रस्टेस पैक्टिनेटा ठीक है ये शॉ फिश है जस्ट शॉ फिश इसने हम क्यों कहते हैं क्योंकि इसका जो माउथ होता है गाइज इसका जो माउथ होता है माउथ किस टाइप का देखने को लिखता है लगता है जस्ट शॉ की तरह शॉ क्या होता है जो आड़ी आपने देखा होगा आड़ी जो होता है जिससे हम लकड़ियां वगैरह काटते हैं है ना कुछ इस प्रकार का होता है इस तरीके से इसमें ब्लेड होता है है ना इससे हम क्या है लकड़ी वगैरह काटते हैं तो कुछ इस तरीके का ही इसका इसका माउथ का डायरेक्शन मतलब देखने को लगता है तो इसलिए हम इसको स्मॉल टूथ सॉफिट कहते हैं इसके दांत काफी ज़्यादा पैने और छोटे होते हैं ये एक तरह का मॉडिफाइड रे है नॉर्मली हम देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैटनेड स्ट्रक्चर डोरसो वेंटरली फ्लैटनेड नहीं देखने को मिलेगा बट ये क्या है आपके ये जस्ट मॉडिफाइड रे है मतलब रे का ही एक तरीके से कहीं ना कहीं स्पीसीज में से आता है ऑर्डर में आता है देन यहाँ पे और क्या क्या, क्या खूबियां हैं तो देखिए हम सबसे लार्जेस्ट रे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो फ्यूजन है पैक्टोरल फिन का और हेड का यहाँ पे लाइक like, कैसा लग रहा है स्ट्रक्चर दे आर यूज फॉर स्विमिंग ठीक है तो यहाँ पे पैक्टोरल फिन और हेड का एक इस तरीके से फ्यूजन है जिससे कि वो बॉडी को तैरवा सकते हैं एक तरीके से ना देन यहाँ पे हम देख रहे हैं दूसरा यहाँ पे आपको स्पायरिकल्स देखने को मिल रहे हैं तो काफी एकदम बटरफ्लाई टाइप देखने को लगते हैं ये देख लीजिए आप एक बार फिर से ये यह आपका यहाँ पे जो है ये एक टॉर्पीडो है टॉर्पीडो एक इलेक्ट्रिक रे Uh, कहलाता है जिसमें कि आपको पेयर्ड इलेक्ट्रिक ऑर्गन देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे देखिए लेफ्ट इलेक्ट्रिक ऑर्गन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे क्या है कॉलम ऑफ ऑरिजेंटल इलेक्ट्रोसाइट्स राइट में एक इलेक्ट्रो ऑर्गन देखने को मिल रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोब भी मिलेगा ब्रेन के पास और ये आईज और ये मोटर नर्व uh, क्या है ट्रंक्स देखने को मिलता है तो ये क्या है जस्ट एक करेंट एक तरीके से प्रोड्यूस uh, करती हैं है ना एंड देन इनके जो सेल्स होते हैं वो उनमें एक इलेक्ट्रोसाइट्स जो कहलाते हैं जो कि एक तरीके से इलेक्ट्रिक uh, करंट बनाने का काम जो करते हैं है ना आ, ये इलेक्ट्रोसाइट्स कहलाते हैं देन ये जो सेल्स से है गैस डिस्चार्ज करते रहते हैं खुद को साइमल्टेनियसली और यहाँ पे लगभग इनका आउटपुट होता है याद ध्यान देखिएगा वन किलो वॉट जो है डिपेंडिंग ऑन दिस स्पीसी की साइज जैसी होती है उस हिसाब से वो इलेक्ट्रिसिटी का आउटपुट देती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है ठीक है तो यहाँ पे वन किलो वॉट यहाँ पे क्या है ये जस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देती है एक तरीके से डिस्चार्ज करती रहती है लार्ज होने के कारण ब्रेन का यहाँ पे जो इलेक्ट्रोसेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस कर पाती है ठीक है काफी बड़ा रीजन देख रहे हैं हम इसके हेड के ऊपर का ठीक है तो यहाँ पे अभी तक हमने जस्ट अः रेज के बारे में जाना अब हम यहाँ डिफरेंसेस को देख लेते हैं ठीक है तीन बार मैंने बोल दिया बट अब यहाँ पे हमें डिफरेंसेज देखने को मिल रहा है देखिए स्केट्स और रेज में क्या डिफरेंसेज है तो देखिए स्केट्स जो होते हैं गाइज आपके ओबीपोरस होते हैं याद ध्यान क्या होते हैं? होते हैं हैं यानी वो एग रिलीज़ कर सकते हैं इन हार्ड केस में जस्ट उसके अंदर ही प्रेजेंट होता है मरमेड कहते हैं मरमेड आपका होता है ना जस्ट एक प्रकार का स्पीसीज होता है तो हार्ड केस होता है एक तरीके से तो ये मरमेड के अंदर मोतिया वगैरह भी पाया जाता है क्या कहते हैं उसको मेरे को याद नहीं आ रहा बट ये देखिए यहाँ पे ये बॉडी के अंदर ही इनके मरमेड प्रेजेंट होता है जो कि बॉडी के अंदर ये एग रिलीज करते हैं साथ ही ये वीवी पोरस होते हैं रेज की बात कर रहे हैं हम रीज़ कैसे होते हैं विवी पोरस होते हैं यानी इसमें जो एनिमल्स होते हैं वो एम्ब्रो जो है एक तरीके से स्पीसीस के प्लेट प्लेटा प्लेसेंटा सेल के थ्रू न्यूट्रिशन कैरी करता है ठीक है देन यहाँ पे डोर्सल फिन जो है गाइज यहाँ पे प्रेजेंट होता है और ये प्रोमिनेंट होता है डोर्सल फिन की बात कर रहे हैं हम जो स्केट्स में गाइज प्रेजेंट होता है डोर्सल फिन लेकिन आपको रेज में देखने को नहीं मिलेगा एकदम पूरी तरीके से फ्लैट देखने को मिलेगा रेज में आपको नहीं देखने को मिलेगा दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं बट यहाँ पे कुछ डिफरेंसेज हैं

रेज के बारे में देखा है पता नहीं स्केट्स दे रखा है कि नहीं यहाँ पे थिन वीप लाइक टेल आपको किसमें देखने को मिलेगा तो ये स्टिंगिंग स्पाइंस जो है जस्ट पॉइजनस रेज के पास जो पीछे जो स्पाइन प्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके का ये जस्ट स्टिंगिंग स्पाइन की तरह भी काम करता है क्योंकि कुछ में इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रो रिसेप्टर जस्ट इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक भी होते हैं मतलब जो कि जैसा है टॉर्पीडो में इलेक्ट्रोसाइट्स पाए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता है बट कुछ ऐसे भी होते हैं पॉइजनस होते हैं जो कि जिनके स्टिंग होते हैं पीछे जो कि पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं मतलब तो पॉइजन जस्ट रिमूव कर देते हैं अगर किसी स्पीसी पे उसने अपने स्टिंग को तो गढ़ा दिया देन यहाँ पे स्मॉल टीथ प्रेजेंट होते हैं किन में स्केट्स में देन यहाँ पे हम बात करें रेस की तो यहाँ पे प्लेट लाइक तीस होते हैं जो कि प्रेजेंट कहाँ होते हैं uh, इनके माउथ में प्रेजेंट होते हैं और एक तरीके से uh, किसी भी प्रे को क्रश करने के लिए काम आते हैं यानी एकदम क्रश कर देते हैं किसी भी स्पीसीज को अगर उनसे कोई थोड़ा सा हार्ड सरफेस वाला भी कोई स्पीसीज है तो उसको मतलब अपने माउथ से क्रश कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा जस्ट इलास्मो ब्रांची के बारे में पढ़ा इलास्मो ब्रांची में और हमने क्या क्या पढ़ा तो रेज और स्केट्स के बारे में पढ़ा हमने स्क्वेलस स्कोलस अःियस के बारे में पढ़ा जो कि आपका डॉग फिश शार्क जो है इसके बारे में पढ़ा हमने हमने लॉरेंजनी ऑफ एम्पला ऑफ लॉरेंजनी के बारे में पढ़ा हमने लेटर लाइन सिस्टम के बारे में पढ़ा हमने न्यूरोमस्ट सेल के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ यहाँ पे हमने स्केट्स और रे के बारे में डिफरेंसेस को भी जाना ठीक है तो आई होप सो आपको ये जो पूरी की पूरी टॉपिक थी अच्छे से समझ में आई होगी अगर नहीं आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी ना जाए बेल आइकन बटन प्रेस कर देंगे हमारे वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी एंड मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय